भाई साहब इतना रेव किया भाई ने कि गाड़ी इतनी गर्म हो गई, कूलेंट लीक कर रहा है। आप ले जाओ गाड़ी, आपकी है आपसे। My dream bike, one of my dreams. भाई 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 भाई, लड़की चाहिए जिंदगी में, ऊपर वाले और कुछ नहीं चाहिए। Change the God. क्या गाड़ी चला रही है भाई बंदी? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय हमजा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube के दुकान पे। व्यू कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ पहले। तो आज है हमारा नेपाल में तीसरा दिन भाई साहब। एक्चुअली हम लोग नेपाल इस बार आए ना, वो इसी वजह से आए। सुपर बाइक आपको दिख रहा है एकदम खतरनाक वाला, अभी बस एक दिख रहा है। अभी आपको आज हम दिखाएंगे एकदम तबाही सीन। आज है नेपाल में सुपर सैटरडे राइड, क्रेजी बाइकर्स मीटअप है, मतलब खतरनाक खतरनाक सुपर बाइक आने वाली है। मुझे तो लिटरली कोई आइडिया नहीं है, जावेद भाई बताएंगे। भाई जरा इधर आइए, ये बताइए कि आज हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। आज हम लोग थोड़ा पड़ोसियों को जगाया जाए, बट यहाँ के जो पड़ोसी बड़े प्यारे हैं, हमारे वाले थोड़े से जलते हैं। करो स्टार्ट। भाई साहब अभी हम लोग रेडियो के निकल रहे थे तो भाई लोग बोलते हैं बिना चाय बिस्किट के किधर। तो रात में आपको ये सब नहीं दिखाया होगा। ये देखो यहाँ हम लोग रात में चारों पांचों भाई रुके, ये आज माहौल बन गया था, मजा आ गया था। विदाउट रेव भाई इतना खतरनाक साउंड कर रहा है। दैट्स कोल्ड स्टार्ट अगेन, दोबारा से स्टार्ट किया गया है। और कितनी भी गाड़ियां होंगी वहां पे, बट BMW अभी तो हमें फुटेजेस आ रहे हैं वहां से, जो हम जहां जा रहे हैं लोकेशन से। Ducati V4 V4S बहुत सारी गाड़ियां हैं अभी, बहुत सारे क्रेजी क्रेजी फुटेजेस आ रहे हैं। और ये हमारी भाभी जी, कल ज़बरदस्त खाना खिलाया था हमें रात में, मस्त। कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा। तो अब ना आप भी एक बाइक ले ही लो भाई साहब। बूमपट 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 जो इस बार। और वैसे भी डेली व्लॉग्स भी आ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, तबाही तबाही व्लॉग्स आ रहे हैं। और हाँ, मुजफ्फरपुर से कितने लोग देख रहे हो ज़रा कमेंट करो, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो सामने जो आप देख रहे हो ZX10R अभी अगले 5-6 दिन तक अपने पास रहेगी, हाथ में ही मुजफ्फरपुर में रहेगी। जावेद भाई चले जाएंगे दुबई, तो जावेद भाई ने कहा है कि भाई हमजा मैं तुम्हें बाइक गिफ्ट कर दे रहा हूँ, बताओ। ऐसे तो भाई लोग तो क्या ही जरूरत है गाड़ी खरीदने की दोस्त। तो फिलहाल चलते हैं। गलियों से रूबरू कराते हैं इन चीजों का भी अपने। सो दैट इज द लोकेशन, होटल हेरिटेज गार्डन। ये देखो भाई Ducati स्क्रैप, एंड फाइनली वी आर एंटरिंग दिस। तो भाई साहब ये चेक करो, क्रेजी लाइनअप। अभी भाई अपने ZX10R का साउंड सुनाएंगे। तो ये आप once more ये चेक करो भाई, माई ड्रीम बाइक, वन ऑफ माई ड्रीम बाइक, एमडी अगस्ता। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, और आप भी हम आपको दिखाने वाले हैं जन्नत। लाइनअप चेक करो बस, गाड़ियां देखो MB F4, यहाँ पे देखो GSX 1000, Ducati, ये है Ducati Diavel, BMW S1000R पुराना वाला मॉडल, मैंने पहली बार अपने सामने से देखा है। ये है Ducati 959, और कुछ गलत वलत बोल दूंगा तो आप लोग मैनेज कर लेना। Harley Davidson R1 अपने भाई की याद आ गई, ये कौन सी गाड़ी है पता नहीं, आप देखते जाओ। R3 Ninja 300 300, ये गाड़ी मेरी वन ऑफ माई फेवरेट गाड़ी है। ये देखो एडवेंचर है, इधर देखो भाई, देखते जाओ Ducati स्क्रैम क्योंकि अरे भाई ये गाड़ी Benelli 500 तो बहुत जल्द अपने ग्रुप में गाड़ी आ जाएगी। ये है स्क्रैम होंडा, Ducati देखते जाओ, Ducati हाँ सेक्सी लग रहा है भाई, मैं अभी सिनेमैटिक लूंगा सारे गाड़ियों का। ये देखो Harley Davidson स्क्रैम Ducati, ये क्या प्यारा लग रहा है ना Benelli ग्रीन कलर। ये देखो Ducati मैं थक गया भाई, इधर देखो CBR के पूरे लाइनअप्स है जो कि अपने इंडिया में आपको दिखेगा नहीं, 1000 CC की बाइक से। इधर देखो भाई CBR गैंग है इधर।
पूरा सीबीआर है इधर दैट इज द क्रेजी डे ऑफ माय लाइफ। इतनी सारी बाइक्स मैंने एक साथ पहली बार देखा है, पहले कभी देखे थे इतनी सारी बाइक? आप लोग बस वैल्यू बताओ कितना। और यहाँ पे वन एंड ओनली ZX में एक पीस, और ये देखो। सो भाई साहब यहाँ पे तीन टी शर्ट्स है भाई लोगों की तरफ से, इनके पूरे राइडिंग कम्युनिटी की तरफ से। एक 1200 का है तो मैं तो एक ले रहा हूँ, कोई सा भी क्रेजी सा। जावेद भाई कौन सा लिया टी शर्ट, कौन सा लिया? 1200 नेपाल, ये मेमोरी रहेगा ना। अच्छा लगा साउंड अच्छा है। तो ये अपने भाई यहाँ के अभी फेमस ब्लॉगर है। तो ये भी गाड़ी बहुत ही खतरनाक है, ये मैंने फर्स्ट टाइम कोलकाता में देखा था। हमजा मुर्तजा यहाँ पे है लिखा हुआ, दैट इज माई चैनल नेम। यहाँ जेडी राइडर भाई, उधर देखने से बेहतर इधर से बोले। हाँ फेस फेस वैल्यू इज मैटर, फेस वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये देखो काफी क्रेजी लग रही है भाई, खतरनाक लगती है ये गाड़ी भी भाई। मैं तो मतलब नया वाला देखा था, ये पुराना वाला ये ज्यादा सेक्सी लग रहा है भाई, खतरनाक खतरनाक। अगर भाई बताऊं तो यहाँ पे जितनी भी बाइक है सारी की सारी रेयर बाइक्स है, दैट इज MV अगस्ता F3, वो भी ब्लू कलर में। कितनी क्रेजी लग रही है भाई, इसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है तो बाइक जो है काफी साइलेंट है, बट बहुत सेक्सी लग रही है। सारी सारी गाड़ी नेपाली, ये देखो MV अगस्ता की। यहाँ पे काफी गाड़ी अपने इंडिया में बहुत मुश्किल होता है मिलना, बट यहाँ पे है काफी सारी गाड़ियां। एंड हियर इज द लाइनअप ऑफ Ducatis। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि भाई किधर जाऊँ, किसकी फुटेज लूँ, क्या करूँ। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई और इस गाड़ी का आप आवाज सुनो, चेक करो भाई साउंड नो करो। और ये राइडर को देखो कितने क्रेजी है भाई। अभी ये गाड़ी जब स्टार्ट होगी ना तो इसका साउंड सुनना, BMW S1000 RR, वो भी SC प्रोजेक्ट के साथ। भाई साहब लिटरली आई एम गेटिंग कंफ्यूज के किधर देखो, हर कोई बाइक स्टार्ट कर रहा है, हर तरफ साउंड ही साउंड है। बूम बट बूम बट बूम, दैट इज होंडा CBR6, दैट इज CBR 600 RR। और ये गाड़ी चलाने वाली है ये क्रेजी लेडी, और ये हमारे भाई, आज तो तबाही होने वाला है। और ये देखो AG का हेलमेट लगा, क्या सेक्सी लग रहा है। स्टार्ट कीजिए, आज मेरा फोकस घूम रहा है इधर उधर, मैं देखू तो कहाँ देखू भाई, इतनी सारी क्रेजी क्रेजी बाइक्स है, मैं लिटरली पागल हो गया पूरा। ये तो ये है बेनेली है, वो बेनेली। सच बताऊं तो भाई साहब आज लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास भी एक सुपर बाइक होनी चाहिए थी। बाकी ये रही फोर्ड एंडेवर, ये गाड़ी देखते हो तो अपने वाली फीलिंग आती है कि अपने वफा भाई के पास है। और भी जो गाड़ियां हैं सबसे आगे रेंज रोवर इवोक है, तो वो भी अपनी वाली फीलिंग देती है, क्योंकि अपन दिल्ली जब भी जाते हैं तो वफा भाई के पास इवोक भी है, तो काफी घूमते फिरते उसमें भी, तो कोई टेंशन नहीं है। Ducati भी देख के अपनी वाली फीलिंग आई, R1 देख के अपनी वाली फीलिंग है, बैरन अल्फा भाई के पास है। यहाँ से सारे गाड़ियां एक साथ लाइनअप पे निकल चुके हैं और तबाही सीन्स होने वाले आज काठमांडू के सड़कों पे। ओ माय गॉड, एक Z900 तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, ले लूंगा इंशाल्लाह, वरना ऐसी ऐसी इवेंट से इनविटेशन आते रहते हैं काफी सारे। भाई 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 भाई, पूरा 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 खतरनाक सीन्स। मैं पहुँचता हूँ अपने टेनार वाले भाई के पास सीधा सीधा, क्योंकि अपने भाई अपनी फीलिंग आनी चाहिए। लेट्स डू इट। तो भाई ये जो है शू का एक ओपनिंग है, उसमें आप समझ लो कितनी खतरनाक गाड़ियाँ बुलाया गया है, तो आप समझ सकते हो। कौन सा लिया जाए? क्या बात है, बहुत पैसा है, वन ऑफ द बेस्ट। जिस पे भी हाथ रख देंगे वो ले लेंगे भाई, इसलिए मैं हाथ नहीं रखने वाला हूँ। नहीं रखना भाई, मैं को तो सब पसंद आ रहा है, क्या ही होता। चेक करो भाई, ये अपने पास है दूसरे कलर में, और ये यहाँ पे इन शूज के साथ यहाँ पे रखा हुआ है। तो बहुत लोग मजाक बनाते हैं मेरा कि भाई ये क्या पहने हुए हो। सर ये जूता ना 28,000 का है नेपाली, वो 1,00,000 का भी रहेगा फिर भी आदम। हाँ जूता आप लेके ही जाइएगा, है ना। एक काम करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि आपके शॉप में सबसे बेस्ट शूज कौन सा है। हाँ इन्हें देखिए, आई रखूंगा Many congratulations for your new shop. Nice collection. You guys like the collection? Yeah. भाई पूरा शॉप घूमने के बाद ये वाला शूज पसंद आ रहा है। और इस पे पता है क्या है, आप आर्ट्स वगैरह भी करा सकते हैं डिजाइन। हाँ बाहर मेरे पास है, बहुत सारे आर्टिस्ट तो करा सकते हैं। अभी पूछते हैं इसका साइज है क्या। इसका साइज
लास्ट साइज चाहिए ना आपको, इसका साइज मिलेगा क्या? तो भाई यहाँ पे साइज का बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेपाल में जो ज्यादा एवरेज साइज है ना वो 8.5 तक ही है। एनी अनदर शूज इन दिस वन? भाई साहब वो कहते हैं ना साइज ही नहीं मिल रहा जो पसंद आ रहा है, लास्ट ये समझ में आ रहा है। इसका साइज देखते हैं पहन के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा। वैसे तो अगर प्राइस की बात करूँ तो नेपाली के हिसाब से यहाँ प्राइस है, आ जाएगा पक्का पक्का। ओके भाई ने कसम खा लिया था कि पहला शॉप पे पहला शूज जो लेंगे, भाई ने बिलिंग करा दिया है, ले रहे हैं। और ये देखो पहले कस्टमर के सारे वीडियोज हो रहे हैं इधर, तो बस एक होता है ना वो जिद, बस जिद है, कुछ तो लेके जाएंगे। पसंद भी आ गया जिद अच्छा है।